गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज 23 तारीख है और आज मैं अपने विलेज जा रहा हूँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने अपनी जर्नी अभी मुजफ्फरपुर से स्टार्ट की है और मुझे कल्याणपुर जाना है, जो कि मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मेरा होम टाउन है, होम विलेज है, नॉट टाउन। आज फॉग तो नहीं लगा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी मैं कन्होली चौक से गुजर रहा हूँ। अभी मैंने जहांगीरपुर क्रॉस किया है, जो कि ढोली से 2-3 किलोमीटर पहले है। अभी कुछ देर में ढोली आएगा, ढोली के बाद पूसा और उसके बाद मेरा गांव कल्याणपुर। कुछ दिन पहले तक अभी जिस पुल से मैं गुजर रहा हूँ वो क्षतिग्रस्त था और बस दो पहियों का आवागमन इस पुल से हो रहा था, लेकिन अब छोटी गाड़ियाँ इससे गुजर सकती हैं। और अभी हम लोग तिरहुत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि ढोली में स्थित है, उसके पास से गुजर रहे हैं। अभी हम लोग ढोली चौक से गुजर रहे हैं। यहाँ से मेरा गांव कल्याणपुर 23 किलोमीटर की दूरी पे है। बिहार सरकार से अनुरोध है कि इस जगह के रोड का कुछ करें, नहीं तो ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। वो तो मुझे पता था कि इस जगह पे रोड ख़राब है, जिसके लिए मैंने अपने गाड़ी का स्पीड कम कर लिया था, पर जो लोग नहीं जानते होंगे और अंधेरे में स्पीड में गाड़ी चला के लाएंगे तो शायद एक्सीडेंट हो सकता है। अभी हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये पूसा है। पूसा मुख्यतः फेमस राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए है और यही वो जगह है जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता खुदीराम बोस जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अभी मैं गंडक नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रहा हूँ और इस जगह से मेरा घर मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है। और फाइनली लगभग 50 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के बाद मैं अपने गांव में प्रवेश कर रहा हूँ। बाएं साइड में जो आप देख रहे हैं वो कब्रगाह है और ये मेरा कल्याणपुर चौक का शुरुआत हो चुका है। मैंने अपना क्लास 10th
कल्याणपुर से ही किया है, कल्याणपुर हाई स्कूल से। कभी मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पे भी लेके चलूँगा आप लोगों को। ये बाएं साइड में जो रेड कलर का मंदिर देखा आपने वो काली मंदिर है, राइट साइड में जो अभी येलो कलर का मंदिर गया वो हनुमान मंदिर है। और ये कल्याणपुर चौक है, छोटा सा चौक है ये। और अब मैं दाएं मुड़ूंगा, वो सामने जो बहुत सारे लाइट वाले हैं ये दुर्गा मंदिर है। दुर्गा पूजा में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। फाइनली सफलता हासिल हुई। समझे, एक गाना सुन रहे हैं, शीशा हो या दिल हो आपसे छूट जाता है। और यही है मेरा छोटा सा घर। और सामने भैया भाभी और मेरा भतीजा टोटू आग का आनंद लेता हुआ, क्योंकि ठंड बहुत है। कौन किया है सुसु यहाँ पे बताओ? तुम किया है सुसु? मैं किया हूँ। डैडी। I love you, daddy. आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन इन साइड मड। इसके लिए आपको एक होल चिकन लेना होगा। चालू है। और कृपया इसे अच्छे से धो लें। ये क्या हो गया? हम लोग गांव में बना रहे हैं ना, मिट्टी में बना रहे हैं। इसको मिट्टी में लेट कर दो। इसको मिट्टी में बनाएंगे हम लोग इस मुर्गे को। अच्छे से धो लेते हैं अंदर बाहर सब। बहुत सारा उसका नोखी से करो। मोटा मोटा कट लगाना। उधर से सब देख पा रहे क्या कर रहे कौन सब पीछे घर वाला लोग। इसमें हम लोग मोटा मोटा कटिंग करेंगे। हाँ, ये गांव का थोड़ा मजबूत मुर्गा है, कोई बात नहीं। चक्कू के धार के सामने सबका मजबूती फेल है। इसमें हम लोग इसको कटिंग करेंगे, मोटा मोटा कटिंग। देखिए कितना सुंदर कटिंग होता है इसका। टांग में भी कर देते हैं कटिंग। हाँ, सब में कटिंग हो गया इसका। जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा छा रहा है। कीड़ भी आता है रात में। हम लोग अभी
क्या चिकन है अंदर? रुको रुको, ज्यादा हीरो पनीर नहीं, मस्त पका है यार चिकन का। चिकन आराम से फोटो कैसा लिखे होते मेरे रूम में बेड तक क्या क्या पाया था इसी तरह फोटो अच्छा आएगा। अब एक केला का पत्ता लेके उस पर रखते हैं ताजा केला। नहीं नहीं इसी पर डालो, उतना ड्रामा नहीं करना। हो गया हो गया, ये फोटो आ गया। क्या रख लाया है चिकन? अच्छा लग रहा है। हमारा ये पहला अटेम्प्ट था और ये चिकन बहुत ही अच्छा बना था। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज सब्सक्राइब। सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब। लिखा भाई बोलो। प्लीज सब्सक्राइब। लिखा भाई।